टॉपिक का नाम क्या है? मोशन इन अ सर्कल। बेटा, ये आपको आपकी स्क्रीन पर सीधा लिखा हुआ नजर आ रहा है या उल्टा नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक आ रहे है? हैं, सर, सही है, सीधा सही है। स्ट्रेट नजर आ रहा है। सर्किल ठीक है, थोड़ी बीच में कर दें। ये थोड़ा बहुत हिलती रहेगी। चलो, ये मोशन इन अ सर्कल। अच्छा जी, अब आप लोग ये चीज देखो कि जाहिर है, सिंपल सी लॉजिक है कि जो चीज सर्कल में मूव कर रही है उसी की मोशन को मोशन इन अ सर्कल कहेंगे, उसी को सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन आपको पता है कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो आपकी गाड़ी का टायर है वो भी सर्कुलर मोशन करता है। प्लैनेट अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन कर रही है, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। प्लैनेट अर्थ जो है सूरज के गिर्द भी घूम रही है, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। उसके अलावा आपकी घड़ी की जो नीडल्स हैं वो भी सर्कुलर मोशन कर रही हैं। और जब आप गाड़ी आपकी मसलन आप यूं जा रहे हैं रोड पे, तो आपकी गाड़ी ने यूं टर्न लिया, तो फॉर अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ टाइम, एक छोटे से टाइम के लिए, कम से कम इस पोर्शन के लिए वो एक सर्कुलर मोशन का हिस्सा थी। तो इसका मतलब ये है कि मोशन इन अ सर्कल इज ऑल अराउंड यू, आपके आगे पीछे तो बेशुमार। इवन इलेक्ट्रॉन जो है, जो एस ऑर्बिटल का पहला इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के गिर्द बिल्कुल एक जो है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मोशन इन अ सर्कल इज देयर, यू आर क्वाइट फेमिलियर विद इट। इसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, ना ही पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन सर्कुलर मोशन, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाउएवर, चूंकि बास टीचर लिखवाते हैं तो हमने भी लिखवा दिया मोशन इन अ सर्कल। तो ये देखें, छोटी सी स्लाइड है, ये देखें। ये एक आप वो है कि इफ द पाथ ऑफ अ इफ द पाथ ऑफ द सर्कल इफ द पाथ ऑफ द इफ द ट्रेजेक्ट्री डेफिनेशन जिस तरह से बनेगी, इफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर द बॉडी सेट टू बी इन अ सर्कुलर मोशन इफ इट्स ट्रेजेक्ट्री इज अ सर्कल और एटलीस्ट एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखवा दी है कि बाकी टीचर भी लिखवाते हैं, ये पेपर में आएगी नहीं कभी कभी, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि डिफाइन सर्कुलर मोशन। सो अ बॉडी इज सेट टू बी इन अ सर्कुलर मोशन इफ इट्स ट्रेजेक्ट्री इज अ सर्कल और एटलीस्ट एन आर्क ऑफ अ सर्कल। और इससे देखें, ये सिलेबस है, इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, तकरीबन ये 6 पॉइंट्स हैं। मैं जो हूँ वो आज के दिन 7.1 सिर्फ कवर करूंगा, और 7.1 से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दूंगा और आपने वो असाइनमेंट करके मुझे बतानी है। तो आज का दिन सिर्फ 7.1 पर रहेगा, 7.1 के अलावा मैं कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं है, उसी से रिलेटेड बातें करूंगा। अब वापस चलते हैं, ये देखें, ये एक सर्कुलर मोशन है। मुझे इसकी वीडियो बनाने की जरूरत तो नहीं थी इस स्लाइड शो की, लेकिन नेवर द लेस इट्स अ सर्कुलर मोशन, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं, ये भी एक सर्कुलर मोशन है आपको इसमें, और देखें इसमें दो तरह की सर्कुलर मोशंस हो रही हैं। एक तो ये है कि प्लैनेट अर्थ सूरज के गिर्द घूम भी रही है, वो भी एक सर्कल है, ऑलमोस्ट एक सर्कल है, और प्लैनेट अर्थ अपने एक्सेस ऑफ रोटेशन के गिर्द भी घूम रही है। वापस आ जाए, और वापस आ जाते हैं उस पे, तो जी ये आ चुका है। अब आप ये चीज देखें कि हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें यह है कि सबसे पहली चीज है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल सर्कल में बात अगर करें तो सबसे पहली चीज जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल है। अब आप देखें, ये एक एंगल है इस तरह से, ये थीटा है इस तरह एंगल, और ये पॉइंट कहलाता है सेंटर या वर्टेक्स कहलाता है। अच्छा, आपके नजदीक एंगल इस तरह, पहले तो ओ लेवल में तो आपके सामने ये एंगल बना बनाया आता था, लेकिन आप समझेंगे कि आपके नजदीक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल जो है वो एंगल रोटेटेड के मानों में, यानी यू, यानी आप समझेंगे कि पहले ये चीज यूं थी और यहां से ये रोटेट होकर यूं पहुंची। तो आपके हाँ जो एंगल का कॉन्सेप्ट है वो रोटेशन से भी लिंक्ड है, यूं करके। तो ये जो जहां से स्टार्ट लिया है ये कहलाएगी इनिशियल रे,
ये कहलाएगी इनिशियल रे और ये कहलाएगी टर्मिनल रे। अब एंगल को जाहिर है कि एंगल रोटेट किया जा रहा है तो एंगल को मेजर भी किया जाएगा। अब एंगल को अगर आपने मेजर करना है, मेजर करना है, तो एंगल को मेजर करने के तीन यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में। पहला है डिग्री, डिग्री से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। दूसरा है जनाब रोटेशंस। आप कहेंगे कि सर रोटेशन या रेवोल्यूशन भी कोई यूनिट होता है? जी होता है। अगर एक बॉडी जो है वो ये फर्ज करें ये सेंटर है, यहाँ से यू रोटेट करके यहाँ पहुंची है, तो आप कहेंगे कि इट हैज मेड वन रोटेशन। अच्छा, अगर फर्ज करें कोई बॉडी यहाँ से यहाँ आई है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से यू रोटेट करती करती यहाँ से यू पहुंची है, तो आप कहेंगे इट हैज अंडरगॉन अ क्वार्टर रोटेशन। क्वार्टर रोटेशन हुई उसका, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद आप ये चीज देखें, अगर वो चीज यहाँ से यहाँ आई है तो आप कहेंगे हाफ रोटेशन उसकी हुई है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ यूं रोटेट करके 270 डिग्री के एंगल पर आई है, यानी फर्ज करें मैं दोबारा बनाता हूँ, यूं करके कि यहाँ से रोटेट करके यूं आई है, तो आप कह सकते हैं कि 270 डिग्री एंगल है, लेकिन आप इसको 0.75 रोटेशन भी कह सकते हैं। तो 0.75 ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं जी कि द बॉडी हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 1.3 रोटेशन। अब 1.3 रोटेशन का मतलब ये है कि एक पूरी रोटेशन यहाँ से यूं करके पूरी, और उसके बाद 30% ऑफ द सेकेंड रोटेशन। 0.3 से मुराद है कि अगली सेकेंड रोटेशन पूरी नहीं हुई, उसका सिर्फ 30% कवर हुआ है। तो इस तरीके से आप रोटेशन में एंगल को मेजर कर सकते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप रोटेशन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको बहुत आसानी से पता है कि वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। वन रोटेशन इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्रीज। तो अब क्या होगा बेटा, वन रोटेशन अगर 360 डिग्री के बराबर है तो आप खुद देखें, यहां से मैं ले लेता हूँ रोटेशन, लिख लेता हूँ, यहां मैं लिख लेता हूँ डिग्रीज। अगर आपको एंगल रोटेशन में दिया हुआ है और आपने डिग्रीज में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें 360 डिग्रीज, और अगर आपने डिग्री से रोटेशन में आना है तो आप डिवाइड कर दें बाय 360 डिग्री। इस तरह आप कन्वर्ट कर लेंगे रोटेशन को डिग्रीज में और डिग्रीज को रोटेशन में। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जी 1.3 रोटेशन थी, कोई मुझसे कहना चाहे कि जनाब ये कितना कितनी उसकी डिग्रीज में कितना है, 1.38 इंटू 360 डिग्री। आजमेर ने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है, माशाल्लाह ये मेरा शेर जवान है, 468 बता रहे हो तुम, 468 डिग्रीज, माशाल्लाह, इट्स प्लेजर टू हैव आजमेर इन द क्लास। अच्छा जी, अब इसी तरह से देखें, अगर फर्ज करें कि ये कोई सीडी है, ये हम इसका एक रेफरेंस पॉइंट चुन लेते हैं, यहाँ पर हम पोजीशन लगा देते हैं, वो सीडी घूमना शुरू करती है, घूमना शुरू करती है, काफ़ी सारी रोटेशंस के बाद यहाँ कहीं जाके रुक जाती है, और हम कहते हैं कि जी टोटल उसने 1762 डिग्रीज रोटेट किया। खाली डिग्री लिख लें या ये निशान लगा लें? अगर आपने खाली ये निशान लगाया हुआ तो इसका मुराद भी यही है कि ये डिग्री में है, और अगर आप ऐसे लिख दें 7682 डिग्रीज तो भी ठीक है। इसको आप 7682 को 360 से डिवाइड कर दें, तो जो भी आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये आपका आंसर आ जाएगा रोटेशन। इसका मतलब है कि रोटेशन या रेवोल्यूशन भी जो है वो भी आपका क्या कहते हैं जो है वो आप उसको यूनिट में लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे चीज देखते हैं, हम आगे चलते हैं, और हमारा दूसरा एक और यूनिट है जो हम अब पढ़ने लगे हैं, और वो है रेडियन। आप जाहिर है आपका सेक्शन जाहिर है A2 E5 E1 है, तो आपने तो रेडियन से आप काफ़ी वाकिफ होंगे, लेकिन नेवर द लेस आई हैव टू फॉर्मली डिफाइन इट। रेडियन को बताने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो चलाना चाहूँगा, ज़रा इस वीडियो को देखें, छोटी सी एक स्लाइड शो है, तो ये आपको रेडियन के बारे में बताएगी।
जी पहले तो ये डेफिनेशन है, मैं इस डेफिनेशन की वजाहत बाद में करता हूं, पहले आप वो वीडियो, ये इस वीडियो को देखें जरा। ये रेडियस आर, ये सर्कल हो गया बेटा। रेडियस आर को हमने वहां से उठा लिया, ये देखें जरा इस वीडियो को गौर से, ये देखें इसी रेडियस को बेंड कर दिया यूं। तो अब जो ये एंगल नजर आ रहा है आपको, ये 1 रेडियन है, और 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। अब ये 2 रेडियंस है, ये 3 रेडियंस, और 180 डिग्री अ लिटिल मोर देन 3 रेडियंस होता है, और 3.1415 रेडियंस के बराबर होता है। तो पाई रेडियंस यानी 3.1415, इसी तरह से देखें टोटल रोटेशन 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। दोबारा इस वीडियो को देखें, और या अभी मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ बाद में आता हूं, पहले आप ये डेफिनेशन रोटेशन वीडियो दोबारा देखें। ये रेडियस है, इस रेडियस ने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये इसका आर्क रेडियस आर है। इसी रेडियस को आप देखें अलोंग द सर्कमफ्रेंस आप लगा दें, इसी रेडियस को बेंड करके आप सर्कमफ्रेंस पे लगा दें, तो ये आपके पास जो एंगल है ये 1 रेडियन कहलाता है, ये 57.3 है, और इसकी डेफिनेशन बनेगी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस। इसका मतलब ये है कि अगर आर्क जो है, दोबारा इस वीडियो को देखें, ये देखें ये रेडियस आर, ये पूरा सर्कल, और फिर ये रेडियस आर को यहाँ से उठाया जाएगा और सर्कमफ्रेंस के साथ बेंड करके लगा दिया जाएगा, ये देख लें, और ये एंगल जो है ये 1 रेडियन है। मैंने जो दूसरी वीडियो पोस्ट की है, जो पिछले साल की वीडियो, उसमें मैंने 1 रेडियन को एक डिफरेंट तरीके से, इससे डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट उठाया, वो भी आप देखिएगा। देखें इसका मतलब है कि 3 रेडियंस आर लिटल लेस देन 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री इज लिटल मोर देन 3 रेडियंस, और 3.1415 रेडियंस जो है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, और इस तरह से फुल रोटेशन 2 पाई रोटेशन। वापस आ जाएं इधर, मेरे क्या कहते हैं, यहाँ पर आप आ गए हैं। अब आप ये चीज देखें, मैं आपके सामने दोबारा बताता हूँ कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस। अच्छा, यहां पर आप मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि जनाब आप सर जो है, ये तो अगर कोई सर्कल डिफरेंट हो तो फिर कैसे होगा, सर्कल डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा। तो उसका तरीका ये है कि ये देखें, ये एक सर्कल है, ये एक बड़ा सर्कल है, ये एक उससे भी बड़ा सर्कल, ठीक है। फर्ज करें कि इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो आप 1 सेंटीमीटर के बराबर इधर चले जाएं। अच्छा, ये फर्ज करें 3 सेंटीमीटर है, आप 3 सेंटीमीटर यूं मूव करें, और ये फर्ज करें 5 सेंटीमीटर, आप 5 सेंटीमीटर यूं मूव करें, इवन देन आप देखेंगे कि वो एंगल वही रहेगा। यानी इसका रेडियस आर वन है, ये लेंथ आर वन है, ये रेडियस आर टू है, ये लेंथ आर टू है, ये रेडियस आर थ्री है, ये लेंथ आर थ्री है, तो ये एंगल 57.3 डिग्री ही रहेगा। इसको जो मैंने दूसरी वीडियो जो मैंने अपलोड की है, जो पिछले साल वाली वीडियो है, उसमें मैंने इसे इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये एंगल 60 डिग्रीज है। उस क्लास उसमें मैंने कहा कि अगर आप इधर से इस लाइन को और इन दोनों साइडों को यूं, जो ये दो साइडें हैं इनको जरा पुश करें, करीब लेकर आएं, तो इस फर्ज करें कि ये वाली साइड रबर की बनी हुई है, ये बेंड हो गई है, आपने इधर से पुश किया, इधर से पुश किया, ये एंगल 60 डिग्री से कम होके 57.3 डिग्री हो गया, और ये आर्क बेंड कर गई, तो ये चीज, ये आर्क हो गई, ये आर, तो ये भी, और ये फिर ट्राइंगल नहीं रही, इन तीनों के ट्राइंगल्स एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री नहीं होगा, तो इस तरह से ये यूं करके एक सर्कल बन जाता है, तो ये रेडियन। तो रेडियन की डेफिनेशन जो है वो क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस। ये पहली आपको रेडियन की डेफिनेशन आ गई। अब बेटा ये बात है कि अगर आपने आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना किसी ने इसमें, बेटा किसी ने कोई बात तो नहीं पूछनी, एनी बॉडी यू वॉन्ट्स टू आस्क एन अ क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं?
अच्छा अभी बेटा मैंने इस तरह किया था कि मैंने ना एक बच्चे को रैंडमली, वो क्लास में प्रेजेंट था, सबसे पहले वही आया था, तो मैंने उसका उससे बातें करना शुरू की तो वो जवाब ही नहीं दे रहा था। इसका मतलब वो माइक ऑन करके या जो भी करके अटेंडेंस लगा के यहाँ से चला गया। तो इस तरह ना करें। मैं आप में से आउट ऑफ द ब्लू रैंडमली मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ किसी भी बंदे से, मैं उसका नाम लेके पूछ सकता हूँ, ठीक है कि नहीं? सर मेरा माइक नहीं चल रहा था, वो मैंने वापस बंद करके खोला तो अब नहीं चल नहीं गया था, उस समय सैफ बोल रहा तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम नहीं हो, यू आर नॉट दैट, यू आर अ ग्रेट बॉय, तुम मुझे पता तुम इस तरह के नहीं हो, ठीक सर है? मेरी बात तो नहीं तुम्हारी हो रही। नहीं नहीं थैंक अब्दुल्ला सैफ तू भी ग्रेट आदमी बेटा, तू भी नहीं था, वो कोई और बंदा, थैंक ठीक यू सर। है? अच्छा ठीक है। जिस बंदे की मैंने बात की उसने फौरन बताया कि सर मैं हाजिर हूँ, ठीक है भाई तुम्हारी अटेंडेंस लग गई है। अच्छा वो अभी बात कर रहे थे हम लोग ए टू इवन ई फाइव फिजिक्स हम शुरू कर रहे हैं दोबारा जनाब। अब देखिए जनाब रेडियन से जनाब डिग्री में जाना है तो आप क्या करें? रेडियन से डिग्री में जाने का आसान तरीका है 57.3 से मल्टीप्लाई कर, और डिग्री से रेडियन में आना है तो 57.3 से डिवाइड कर दें, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये एक सादी सी कैलकुलेशन है। फिर आपको ये बात पता है, ये पेपर का, अब जो मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ ना, लिखने लगा हूँ, वो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ 2004 में गालिबन, मुझे सन में गलती हो सकती है लेकिन ये क्वेश्चन 2004 के आगे पीछे ही होगा। अगर 2004 में नहीं आपको मिला तो 2003, 4 या 5 में मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि वाई वन फुल रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, वाई वन फुल रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। अब जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने कहा यार मैं इसका क्या जवाब दूं, तो मैंने फिर वो जो है ना थोड़ा सा इसका जवाब कम हेयर स्टाइल में दिया। वो आपने कम हेयर जोक सुना हुआ ना कि नहीं? कम हेयर जोक ये कि एक बच्चे को ना एक इंग्लिश का फ्रेज आती थी कम हेयर, तो टीचर ने उससे पूछा कि तुमने किसी को क्लास में बुलाना हो तो तुम क्या कहोगे? उसने कहा सर मैं उन्हें उसको कहूंगा कि कम हेयर। तो उसने सर ने कहा टीचर ने कहा अच्छा अगर तुमने उसे क्लास से बाहर भेजना हो तो फिर तुम क्या करोगे? उसने कहा सर मैं पहले खुद क्लास से बाहर जाऊंगा और उसे कहूंगा कम हेयर। तो अब जरा ये कम हेयर स्टाइल में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, वो मैंने इसी तरह किया, मैंने कहा जी कि आर्क लेंथ ऑफ आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस, ठीक है कि नहीं? मेक्स एन एंगल ऑफ 1 रेडियन एट सेंटर। अभी देखिए ये मुझसे पूरा लिखा नहीं गया मगर यही चीज मैं आपके सामने इस तरह लिख देता हूँ, यूं लिख देता हूँ, ये देखें पूरा ऐसे करके लिख देता हूँ, ये आपके सामने आ गया जनाब, थोड़ा सा ऐसे कर दिया। तो आर्क लेंथ, ये देखें आर्क लेंथ इक्वल टू 1 रेडियस मेक्स एन एंगल ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन एट सेंटर। अब ये मैंने ना पूरा ऐसे करके फैला के लिख दिया। फिर अब मैंने इसमें पूछे क्या कहा, मैंने कहा जी आर्क लेंथ इक्वल टू 2 रेडियस मेक्स एन एंगल ऑफ 2 रेडियंस एट द सेंटर। आर्क लेंथ ऑफ 2 रेडियस यानी क्या? मैं कहना ये चाह रहा था, व्हाट आई वांटेड टू से वाज के जनाब एक आर्क 1 रेडियन बनाता है, 2 आर 2 रेडियन बनाएंगे और 3 आर 3 रेडियन बनाएंगे। आर्क लेंथ इक्वल टू 3 रेडियस मेक्स एन एंगल ऑफ 3 रेडियंस एट सेंटर, ठीक है कि नहीं? तो अब पूरा सर्कमफ्रेंस क्या है? आर्क लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर यानी फुल सर्कमफ्रेंस, फुल सर्कमफ्रेंस ये है, फुल सर्कमफ्रेंस विल मेक एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस। इस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, हैंस वन फुल रोटेशन इज इक्वल टू, हैंस वन फुल रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ये मैंने जवाब दिया था। और उसके बाद मैंने बच्चों ने और भी जवाब लिखे हुए थे जब मैंने कभी टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया तो, लेकिन वो मुझे उनके आंसर मेरे जो मैंने ये लिखा था या जो मेरा ये काम हेयर स्टाइल था ये उससे ज्यादा बेहतर नहीं वो मुझे लगे,
इसलिए मैंने उनको फिर अपने वाला ही, जिस दिन किसी टीचर का लिखवाया हुआ आंसर मुझे अपने इस कम हेयर स्टाइल से बेहतर मिल गया, मैं फौरन वो आपको लिखवा दूंगा, लेकिन यही मेरे, मैंने जो लिखा ये मेरा ख्याल है बेहतर है फिलहाल। एटलीस्ट इसमें वही वही वाली लॉजिक है जो वीडियो में दिखाई गई थी कि उसमें है। तो यूं बेटा, वन फुल रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। अब इसको अगर आप इस्तेमाल करें तो आप कह सकते हैं कि फर्ज करें कोई कहता है जी कन्वर्ट थीटा डिग्री इनटू रेडियंस, तो बंदा इसकी लॉजिक ये दे सकता है कि जनाब पाए रेडियंस बल्कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाए रेडियंस, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाए ओवर 180 एंड थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाए ओवर 180 इनटू थीटा डिग्री। तो इसका मतलब है कि आप एंगल अगर डिग्री में हो और उसे आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें आप, अब यहां पर रेडियंस है और यहां पर डिग्रीज है। अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई ओवर 180 से उससे मल्टीप्लाई कर दें, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें, और डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें। ये कन्वर्शन फैक्टर्स हैं, ये बेटा असूलन आपको पहले से आने चाहिए थे। आई शुडेंट बी स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इट, लेकिन नेवरदेल हमें करना पड़ता है। डायरेक्ट एक चीजें बन गई हैं जी कि सारा कुछ टीचर ने बड़ी बेसिक बेसिक बातें भी बतानी है। तो अगर वो कोई कहे कि जी कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियंस, तो वो होगा जी 60 डिग्री इंटू पाई ओवर 180 इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। और आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.1415 ओवर 3 कर दें, तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि एंगल रेडियन में है, तो मैं अब उसकी भी कन्वर्शन आपको करके बताऊं, तो ये चीजें होगी। अब हम आगे चलते हैं जनाब, ठीक है कि नहीं? आगे जनाब हमारा सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक अब यहां से हम ए टू फिजिक्स अब शुरू हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, इसे आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डेल्टा का निशान है, और डी थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ डी भी डेल्टा के मानों में। डेल्टा मीन्स चेंज इन, डेल्टा मीन्स चेंज इन। तो एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? एंगल रोटेटेड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस चीज को इज कॉल्ड इट्स एंगुलर, बास टीचर इसे इस तरह से भी लिखवाते हैं, मैंने बास टीचरों के नोट्स में देखा है वो इस तरह से लिखाते हैं जी के एंगल रोटेटेड, एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस ऑफ द बॉडी बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इसका क्या मतलब है? रेडियस को वो बीच में क्यों लेकर आते हैं? वो इसलिए लेकर आते हैं, फर्ज करें ये एक सीडी है, सीडी आपने कॉम्पैक्ट डिस्क, आपको पता है अभी आस्ता आस्ता खत्म हो गई है लेकिन पहले तो थी। अब ये सीडी रोटेट कर रही है तो आपको तो समझ ही नहीं आएगी कि इसने कितना रोटेट किया है, तो आपको इसकी रोटेशन के लिए पहले एक रेफरेंस पॉइंट लगाना पड़ेगा, और आप एक सेंटर से एक लाइन लगा लें और इसे आप रेडियस कह लें, और इस रेडियस के थ्रू आप अपनी कर सकते हैं, जिस तरह आप डिस्प्लेसमेंट में एक इनिशियल पॉइंट चूज करते हैं, तो आप रैंडमली कोई भी लाइन मार्क करके किसी भी पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी पॉइंट है अगर वो रोटेट करके यहाँ पहुंचा है तो ये उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा आप कहेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम तो आज तक हमने एंगल के साथ कोई एसोसिएटेड वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर एंगल के साथ ये वेक्टर का जो चक्कर है ये कैम्ब्रिज के सिलेबस में नहीं है और एफएससी के सिलेबस में है,
इसके बारे में मैं अभी बाद में बात करूंगा, ठीक है कि नहीं है? तो अब ये चीज देखते हैं कि रेडियस का जिक्र इसलिए, लेकिन मैं बाज कत नहीं लिखवाता क्योंकि आप ये देखें, ये सन है और ये अर्थ उसके गिर्द घूम रही है। तो अर्थ का कौन सा रेडियस, अर्थ का कौन सा रेडियस, किसे आप कहेंगे कि ये अर्थ का रेडियस है? मतलब किसी एक पर्टिकुलर लाइन को तो नहीं ना आप सेलेक्ट करके कह सकते कि ये रेडियस है। तो मैं इसलिए फिर ये वाली डेफिनेशन लिखवाता हूँ, एंगल रोटेटेड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने ये भी लिखी तो आपको नंबर मिलेंगे, ये भी लिखी तो आपको नंबर मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, अब एंगल किस किस में मैयर होता है आप पढ़ चुके हैं, डिग्रीज में मैयर होता है, रेडियंस में मैयर होता है, और उसके बाद बेटा रोटेशंस में मैयर होता है, लेकिन ये सब बातें इसकी हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाए जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये चीज कैम्ब्रिज के सिलेबस में नहीं है, ये चीज एफएससी में है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको थोड़ा सा एफएससी भी साथ बीच में कराऊंगा ताकि आपको एंट्रेंस टेस्टों के हवाले से प्रॉब्लम ना हो। आप सर्कुलर मोशन का जो ये चैप्टर पढ़ेंगे, जितना कैम्ब्रिज में है वो सारे का सारा पढ़ेंगे, प्लस आप थोड़ा सा एफएससी का भी सारा पढ़ेंगे, ताकि आपको एफएससी के लिए सेपरेट ट्यूशन ना लेनी पड़े एंट्रेंस टेस्टों को। आपको पता हो कि मेरे सिलेबस में इतना है और एफएससी में इतना है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है पी, ये यहां से रोटेट करके इधर चला गया, ये P1 इसकी पुरानी पोजीशन है, ये P2 इसकी नई पोजीशन है, इतना इसने रोटेट किया, ये इसका एंगल है। अब आप कह सकते हैं सर एंगल की क्या रोटेशन डायरेक्शन, बेटा इसके लिए फिर राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करेंगे, ये राइट हैंड ग्रिप रूल है। आप ये चीज देखें कि मैं अपनी उंगलियों को ओपी, ये अगर इसको मैं पॉइंट को ओ कहता हूं तो मैं OP1 की तरफ रखता हूं, और वहां से मैं राइट हैंड को, राइट एक बात याद रखें, राइट हैंड OP1 से मैं राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करते हुए OP2 तक आता हूं। तो जो थंब है ना मेरा, जो थंब है ना मेरा, वो डायरेक्शन है इसकी, यानी इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन ये है। आप हैरान होंगे कि ये क्या बात हुई सर, मगर ये इस तरह से है कि नेवर द लेस फिजिसिस्ट अपनी कुछ सेंसेस, वेक्टोरियल सेंसेस खुद भी बनाते हैं। अगर आप देखें ये बॉडी यहां से रोटेट करके यूं गई है, तो ये इसकी जो है एंगुलर एंगल थीटा की डायरेक्शन बनती है, और जितना ज्यादा वो रोटेट करेगी उतना ज्यादा वो एंगल की लेंथ, वेक्टर की लेंथ बड़ी होती चली जाएगी। अगर वो बहुत ज्यादा चक्कर लगाती है तो ये और भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? हमारा एक दोस्त था, उसने अपने हॉस्टल में रहते थे तो उसने अपने कमरे का पंखा ऑन किया, और उसने कहा सर मैं अब इसको ऑफ नहीं करूंगा, तो पूरा एक पंख महीना वो पंखा चलता रहा। उस जमाने में लोड शेडिंग नहीं होती थी, 91-92 का जमाना था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार बस कर, अब इसको एक महीने से तो इस पंखे को तूने ऑन किया, बेचारा थक गया, अब इसको रोको। अब जो एक महीने से वो पंखा रोटेट कर रहा था, तो उसका तो ये वाला वेक्टर की लेंथ तो फिर इन्फिनेटली लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा। आप ये कह सकते हैं कि सर इस तरह तो अगर कोई चीज फर्ज करें, एक चीज यूं रोटेट कर रही है, यूं इस तरह रोटेट कर रही है, इस पर राइट हैंड ग्रिप रूल अगर लगाने की कोशिश करें, अब मैं आपके सामने यूं करके, तो इसका डायरेक्शन ये बनती, और अगर ये अपनी डायरेक्शनल सेंस उलट कर दे तो फिर इसका वेक्टर यूं बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी यूं यूं घूम रही है, यूं यूं घूम रही है, तो आप देखें कि उंगलियां उस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ रोटेट करें तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, और जितनी ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी ये वेक्टर उतना लंबा होता जाएगा। और अगर वो यूं 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 उल्टा घूम रहा है तो उसकी उंगलियां इस तरफ होंगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो बेटा इस तरीके से ये हमने एक उसकी वेक्टर सेंस खुद बना दी, हमने उसकी वेक्टर सेंस खुद बना दी। तो ये एफएससी में थीटा की डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब है कि थीटा हैज आ डायरेक्शन। अब मुमकिन है कि आप कहें कि इसका कोई फिजिकल सेंस नहीं बन रही, लेकिन फिर भी ये हमारे मसले खुद काफी सारे हल कर देता है। जिस तरह हम बहुत सारी नोटेशंस अपने लिए खुद भी तो डिफाइन करते हैं, और वो हमारे लिए हमारे काम आती हैं। अच्छा, अब ये जो बात है, सर, हाँ हाँ अगर जी कोई जी चीज गोल गोल घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? मैंने अभी आपको बताया ना कि यार इसकी कोई फिजिकल सेंस नहीं है, मगर ये हम इस तरह से डिफाइन करते हैं उसको, हमने खुद से उसकी, यानी हमने खुद से उसकी एक तुक बना दी है उसकी, ऐसा फिजिकली कि तुम सोचो तो तुम उसको कोई फिगर आउट नहीं कर सकोगे कि ये क्या बात हुई, मगर हमने अपनी। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्शन SAT2 फिजिक्स में भी है, तो
इसका मतलब ये है कि अभी जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कैम्ब्रिज सैट टू फिजिक्स पूरी कवर करूंगा और प्लस एफएससी कवर करूंगा, ताकि आपको किसी चीज की एक सेपरेट ट्यूशन ना पढ़नी पड़े। मैंने आपको बता दिया कि ये जो बात है डायरेक्शन की, ये कैम्ब्रिज के सिलेबस में नहीं है, मगर ये एफएससी के सिलेबस में है और ये सैट टू फिजिक्स के सिलेबस में भी है। ठीक है कि नहीं है? सैफुल्ला, आपका क्वेश्चन ठीक है कि आखिर डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, कोई डायरेक्शन ऐसा नजर नहीं आ रही, हम अगर हमने इसको एक आपके हमने इसकी एक खुद से एक तुक बना ली है कि ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं ना, खाली एंगल नहीं कह रहे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पुराने नॉलेज के मुताबिक तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है जी एंगुलर वेलोसिटी। अगला पॉइंट हमारा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी शुरू हो रही है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। यहां से चले, थोड़ा बोरिंग पार्ट खत्म हो रहा है, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, या जिसको बाज कात आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसको ओमेगा को आप थीटा ओवर टी लिखेंगे। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था ना, वो वही चीज है। जिस तरह आप वेलोसिटी को डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी भी कहते थे और डी एक्स ओवर डी टी भी कहते थे, बिल्कुल इसी तरह से ओमेगा को आप डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी भी कह सकते हैं, ओमेगा को आप डी थीटा ओवर डी टी भी कह सकते हैं, और ओमेगा को आप डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी यू भी कह सकते हैं। तो ये सब चीजें आप ओमेगा है, ओमेगा क्या है जी? एंगुलर वेलोसिटी। ये चीज आपने जहन में रखनी है फिलहाल शुरू में। ये नोटेशंस मैंने बेटा इसलिए मेंशन कर दी हैं कि ये नोटेशंस आपको एफएससी में या सैट में इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी, तो बंदा फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार ये तो पता नहीं हमने, सर ने तो कुछ और पढ़ाया था। हालांकि वो वही चीज होती है, लेकिन उसको सिर्फ एक बयान करने का अंदाज डिफरेंट होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है जी? अब देखें, इफ अ व्हील रोटेट्स 1400 टाइम्स इन 7 मिनट्स, तो कैलकुलेट ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? 1400 ओवर 7, 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट, या 200 आरपीएम। बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी का सबसे पहला यूनिट था वो आरपीएम ही था, रेवोल्यूशंस पर मिनट। अमूमन शुरू में जितनी भी इंजीनियरिंग चली, तो उसमें शुरू में जो रोटेशन के यूनिट्स थे वो आरपीएम में ही थे। मिसाल के तौर पे मुझे इतना पता है कि मेरे पास CG125 मोटरसाइकिल था, CG125 मोटरसाइकिल मेरे पास था होंडा का। तो उसमें जब मैं 60 किलोमीटर पर आवर से मोटरसाइकिल चला रहा होता था, तो इंजन की स्पीड आती थी 5500 RPM, कि इंजन के अंदर जो वो रोटर घूम रहा है वो 5500 रेवोल्यूशंस पर मिनट ले रहा है। तो इस तरह से ओमेगा का जो शुरू का यूनिट है, ट्रेडिशनल यूनिट है, वो आरपीएम है। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो फास्टेस्ट मोटर्स इन द वर्ल्ड है, जो अभी तक सबसे तेज तरीन मोटर्स बनाई गई हैं दुनिया में, वो 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट रोटेट करती हैं। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान भी कोई पीछे नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसी मोटर्स तो बना ली हैं जो 45,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट रोटेट करती हैं, मगर पाकिस्तान 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट की मोटरों के ऊपर भी अपना काम कर रहा है। आप कहेंगे सर इतनी तेज तरीन मोटरें क्यों जरूरत है? बेटा हाई स्पीड मोटर्स जो होती हैं वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में के लिए इस्तेमाल होती हैं, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर्स के लिए। ठीक है कि नहीं? तो ये एक हाई स्पीड मोटर्स का यूज है। तो अब मैंने एक बुक में पढ़ा था, दोबारा फिर मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, कि एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेट करता है, ये वो था 53 बिलियन 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 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये एक मैंने कैलकुलेशन किसी जगह पढ़ी थी।
इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, लेकिन इतनी उसकी रेवोल्यूशन बनती है, तो रेवोल्यूशन पर मिनट में आ। अब आए जरा इसको अगर कन्वर्ट करना हो रेडियंस पर सेकंड में, तो ये देखें थीटा बाय टी है, अगर आप ये एंगल रेडियंस में लेंगे और इस टाइम को सेकंड्स में लेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा रेडियंस पर सेकंड। अब रेडियंस पर सेकंड जो है इसको आप लिखेंगे तो सेकंड माइनस वन लिखेंगे, क्योंकि रेडियन बजाते खुद कोई वो नहीं है, उसका सिंबल अपना कोई नहीं है, तो ओमेगा जो है वो थीटा ओवर टी के बराबर है और रेडियंस पर सेकंड के बराबर बनता है। और क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक मोटर है वो 1400 आरपीएम से घूम रही है, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो 1400 रेवोल्यूशंस ओवर 1 मिनट बनता है। अब 1400 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो इसको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि 1400 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिनट को 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो अब आपका ये जो आंसर है ये रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियंस। लेकिन अगर आप 1400 को रेवोल्यूशंस को ऐसे ही रहने दें, सिर्फ इसको 60 सेकेंड्स कर दें तो फिर ये रोटेशंस रेवोल्यूशंस पर सेकेंड हो जाएगा, ये रेवोल्यूशंस पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये था जनाब एंगुलर वेलोसिटी का तारफ। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ये चीज होती है। मुझे बताएं किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना, प्लीज किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूं। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है मैं हाजिर हूं। सर, जी, मैं पूछता हूँ। पेपर में हम रेवोल्यूशन पर मिनट में लिखेंगे पेपर्स में। अच्छा ये देखें, सैफ साजिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम पेपर में रेवोल्यूशन पर मिनट में लिखेंगे या रेवोल्यूशन पर सेकंड में लिखेंगे। बेटा कैम्ब्रिज में सारे यूनिट्स आते हैं, जाहिर है मैंने ऐसे तो नहीं ना कहा, मतलब कैम्ब्रिज में आपको रोटेशंस पर सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, और वो कन्वर्ट ही नहीं बच्चों से हो रहा था, ठीक है कि नहीं। अब बाज दफा रेडियन पर सेकंड तो बहुत ज्यादा आता है और आरपीएम भी आता है, तो यानी सारे यूनिट्स आते हैं और आपको सारे आने चाहिए, ठीक है कि नहीं। और आपको इन्हें एक दूसरे में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। ये चीजें सब जरूरी हैं, ठीक है ना। यू शुड बी एक्सपर्ट इन कन्वर्टिंग ऑल ऑफ देम फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अच्छा जी, अब मैं ना रैंडमली आप में से किसी एक बंदे का नाम लेता हूँ और मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा जी, फखर अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, किधर है जनाब फखर, आर यू लिसनिंग टू मी? जी फखर खान बेटा, आप मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के लिए मैंने जो रूल बताया है वो क्या है। अच्छा फखर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इस्माइल खान आप बताएं, इस्माइल इसाक। जी बेटा इस्माइल इसाक आप बताओ बेटा। नहीं, इस्माइल इसाक का भी जवाब नहीं आ रहा। सर, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, किसका ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का? बेटा? ये आप देखो ना, जितनी भी आपकी मोटरें डिजाइन हो रही हैं, जितनी भी आपका आपकी घड़ियां हैं वो भी गोल घूम रही हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो सर्कुलर मोशन से भरी पड़ी है। आपका गाड़ी जब जहाज उड़ता है तो उसका भी एक रोटर होता है, वो घूमता है, उसके पंखे घूमते हैं, उसके अंदर टरबाइन घूमता है, रोटेशन सर्कुलर मोशन तो बड़ी एक्सटेंसिव यूज है। इवन आपके जिस्म के जो एटम्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। आप जिस प्लैनेट अर्थ पर हैं वो भी गोल घूम रही है, वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, और वो मून सन के गिर्द भी घूम रही है, और सन भी गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है, सेंटर ऑफ गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने सर, देखें जी इस्माइल इसाक, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया बेटा मुझे। वो आवाज नहीं आ रही थी, तेरा बोलना क्वेश्चन क्या था? नहीं, तुम्हें मैंने जितना लेक्चर दिया उसकी कोई आवाज नहीं आई है? सर, अभी थोड़ी कट गई थी सर, एंड में। अच्छा, मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है बेटा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है।
डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसकी, मैंने आज पढ़ाई है सर ना ये। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है सर उसका सर्कुलर उसका। मोशन। हाँ सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रूल है वो क्या है। ये देखो बीच में फाई सर वो स्थान लीनियर व्यवहार है। डिस्प्लेसमेंट। नहीं मेरे बेटे मैंने सर अभी लीनियर बताया डिस्प्लेस। डिसलिनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैंने नहीं बताई, मैंने आपको बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। और जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की भी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हैं, मैंने ये बात बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूं। ये देखें ये बेटा अपना माइक ऑफ करो जरा, इस्माइल इसमें शोर आ रहा है बेटा, अपना माइक जरा ऑफ करो इस्माइल। अच्छा ये देखें यहां से ये चीज जो है रोटेट करके अगर यहां पहुंची है, ये पॉइंट यहां से यहां रोटेट करके पहुंचा है और ये है उसका एंगल जो उसने रोटेट किया है, तो राइट हैंड रूल आपने इस्तेमाल करना है, राइट हैंड ग्रिप रूल। उंगलियां आपने उसकी पुराने रेडियस की तरफ रखनी है और वहां से घुमाकर उसके नए रेडियस की तरफ लेकर आनी है जहां नया रेडियस पहुंच चुका है। तो ये थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और यही एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन। अगर एक चीज यूं 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 घूम रही है तो उसका थीटा भी इस तरफ है जिस तरफ मेरा मार्कर उठ रहा है ऊपर की तरफ, और उसका ओमेगा भी यूं उठ रहा है। और अगर मैं इसको 3D में बनाने की कोशिश करूं कि ये चीज यूं घूम रही है, इसका इसमें देखें एक मिनट, राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करें, इसका थीटा भी इस तरफ है, इसका ओमेगा भी इसी तरफ होगा। जिस तरफ उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी है। आगे चलते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी से पहले मैंने एक चीज और पढ़ानी थी जो मैंने नहीं पढ़ाई, वो पढ़ा देता हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो मैथ नहीं लेता, बेटा आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो मैथ बिल्कुल नहीं लेता, जिसने P1 का मैथ नहीं पढ़ा हुआ। उमामा सदीकी, मानोर शहजाद और कोई बंदा, ठीक है मरियम नईम, ठीक है बेटा मैं ना एक्सप्लेन करता हूँ। देखें ये चीज देखें, आप मुझे ये बात बताएं कि ये रेडियस आर है, ठीक है बेटा मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है मैं समझ आ गया। ये देखिए ये आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ को आप एस कह दें और ये एंगल थीटा है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा अब ये एस है, ये आर है, ये आर है, ठीक है कि नहीं है। तो अब आप देखें आर्क लेंथ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थीटा, जितना ये एस ज्यादा होगा उतना ये सेंटर में एंगल भी ज्यादा होगा। जिस तरह फर्ज करें ये देखें, ये अगर एंगल छोटा है तो ये एस भी छोटा है, और अगर ये एंगल बड़ा है तो ये एस भी बड़ा, आर्क लेंथ भी बड़ी है। और जब इस प्रोपोर्शन को आप कन्वर्ट करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी में, एस इज इक्वल टू आर थीटा आ जाता है। देयर आर इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आर इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये रूल आर्क लेंथ निकालने के लिए बड़ा यूज है। P1 के बच्चे तो सारे जानते हैं इस फार्मूले को, वो बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल भी कर चुके हैं, लेकिन एस इज इक्वल टू आर थीटा जो है वो एक आर्क लेंथ को एंगल से रिलेट करता है। अच्छा अगर आपने ओ लेवल में याद आपने पढ़ा था आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इन डिग्री ओवर 360 इनटू 2 π r, याद है आपको ये चीज, आपने पढ़ी थी आर्क लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था ओ लेवल में। आर्क लेंथ को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एंगल इन डिग्री, अब ये 2 जो है इसका 180 डिग्री कर देगा, और पाई ओवर 180 जब एंगल इन डिग्री से मल्टीप्लाई करेगा तो वो एंगल इन रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ये आर 7 आ जाता है। तो हम इसी को फार्मूले को फिर थीटा आर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये हमारा फार्मूला बन जाता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब आपका एंगल जो है वो रेडियन में हो। तो ये फार्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर एस इज इक्वल टू आर थीटा की फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पर ये सन है और ये प्लैनेट अर्थ है, उसके गिर्द रोटेट कर रही है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये प्लैनेट अर्थ का ये एंगल रेडियस आर है और उसने इतने डिग्रीज इतना एंगल घूमा है तो उसने ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो आप फिर उसके लिए एस इज इक्वल टू आर थीटा लगाएंगे, उसमें ये वाला एंगल जो है वो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप फर्ज करें ये एक सेब है,
आपको पता है, आप सेब को बीच में से काटें तो उसके दो टुकड़े बन जाते हैं, यूं कर लेते हैं, ये हेमिस्फीयर कहलाता है। आधा कटा हुआ सेब या ये हेमिस्फीयर तो आपको पता है ना। इसी तरह से फर्ज करें ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, ये इसका क्या है बेटा, इक्वेटर है ये वाला, और ये इसका सेंटर ऑफ अर्थ है। हम अर्थ को इमेजिनेटिवली हम दो हिस्सों में काट लेते हैं, ये अर्थ का आधा हिस्सा है, ठीक है ना, आधा हिस्सा है, और ऊपर वाला आधा हिस्सा अलग कर दिया हमने। तो सेंटर से ये वाले इस तरह करके एंगल्स बनाए गए हैं, ये एंगल्स जो हैं, ये जो हैं वो इन्हें कहते हैं, ये जो एंगल्स हैं, एक जगह एक सेंटर लोकेशन है इक्वेटर पर जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो इसको मैं सर्कल बनाकर यूं दिखाता हूँ, और ये इक्वेटर बनाया मैंने, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। ये फर्ज करें कोई टाउन है यहाँ पर, टाउन ए, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये टाउन बी है, इक्वेटर पे बात करो, ये लेंथ ऑन इक्वेटर है, ये एंगल हम कह देते हैं 23 डिग्री है, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है इट्स 6.38 × 10⁻⁶ मीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि टाउन ए और टाउन बी का डिस्टेंस कितना है, यानी एस कितना है ऑन इक्वेटर, ये दोनों टाउन इक्वेटर पर है फिलहाल, ठीक है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाइड। अब 23 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, 23 डिग्री को आप 57.3 से डिवाइड कर दें, तो ये आपका एंगल आ जाएगा रेडियंस में, और फिर आप एस इज इक्वल टू आर थीटा लगाएं, 6.38 × 10⁻⁶ × 23 डिग्री ओवर 57.3 करें, तो आपके पास ये एंगल इस तरीके से आ जाता है, ठीक। एस, ये एस आर्क लेंथ, ठीक है कि नहीं है। अच्छा बेटा, अभी ये मैं एस इज इक्वल टू आर थीटा की एक एप्लीकेशन और भी है, वो ये है कि ये देखें, ये अर्थ, ये सन, ये मून है, ये क्या है जी, मून है। अब इन पे यहां पर जो प्लेनेट अर्थ पे जो लोग थे, वो यहां से मून का ना ये यूं कर लेते थे, मून का टेलीस्कोप के जरिए मून का ये वाला हिस्सा फोकस करते थे, फिर मून का ये वाला हिस्सा फोकस करते थे, और अपने टेलीस्कोप पे लेंस के थ्रू ये वाला एंगल मेजर कर लेते थे, और उन्हें ये वाला डिस्टेंस पता था। तो एक इमेजिनेटिवली एक बहुत बड़ा यूं सर्कल बना लेते थे, और ये जो आर्क लेंथ है जिसको मैं दोबारा बनाता हूं यूं करके ऐसे करके यूं करके, ये वो चीज बन गई, यहां मून है और ये एंगल थीटा है, और यहां सन अर्थ की सरफेस है ये, तो ये डिस्टेंस उन्हें पता था, ये डिस्टेंस उन्हें पता था, ये एंगल वो टेलीस्कोप के जरिए मेजर कर लेते थे, तो ये जो चीज है आर्क लेंथ वो अप्रोक्सीमेटली डायमीटर ऑफ द मून बनती है, ये एस, और एस इज इक्वल टू आर थीटा लगाकर वो आराम से उसके मेजर कर लेते थे डायमीटर, उसका उन्होंने डायमीटर मेजर कर लिया था, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से जो टेलीस्कोप है, उन्होंने यहां तक कह कि ये उस मून है, मून के ऊपर फर्ज करें ये कोई वो क्रेटर है, तो उसको भी उसका भी डायमीटर वो मेजर कर लेते थे, ये एंगल मेजर करते थे, ये डिस्टेंस उन्हें पहले से पता था, ये लेजर के थ्रू उन्होंने निकाल लिया था। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि ये सन है, ये अर्थ है, उन्होंने यहां से एक लेजर बीम फायर किया मून पर, वो लेजर बीम रिटर्न होकर वापस आई, तो उन्होंने जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस 2d = velocity × time से उन्होंने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, फिर इस डिस्टेंस को यहाँ अप्लाई कर दिया, और टेलीस्कोप से ये एंगल मेजर करके उन्होंने ये देखें, एक बड़ा सर्कल समझ लें आप, बड़ा सा सर्कल यूं करके, तो उसमें उन्होंने मून के ऊपर छोटे छोटे जो क्रेटर्स थे उनके डायमीटर्स भी मेजर किए। आप पूछेंगे कि सर आप ये इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रहे हैं, ये एक दफा कैम्ब्रिज में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने कहा कि ये क्या नाम है, वो जो इक्वेटर पे दो टाउन्स के दरमियान डिस्टेंस था, ये FSC में आया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप देखिए बेटा, ये चीजें सारी आपने सीखनी है, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं आपको बड़ी आसान आसान बातें बताकर खत्म कर दूं अपने लेक्चर को। मुझे बच्चे कहते हैं सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, मगर मकसद ये है बेटा, अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप काबिल कैसे बनेंगे। आपको बहुत ज्यादा इलम सीखना है, आपको एक टॉपिक पर आपकी मालूमात बहुत ज्यादा ना हो तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूं बेटा। कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ठीक है, चले सही है, मैं फिर आगे चलूं।
आगे चलता हूँ और अगली बात मैं करता हूँ आपसे। अच्छा एक मिनट, अपना लास्ट बेटा, बस थोड़ा सा रह गया बेटा, थोड़ा सा रह गया। हिम्मत कायम दायम रखें बेटा। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? टाइम टेकन टू रोटेट थ्रू फुल रोटेशन और 2 पाई रेडियंस, एक पूरा चक्कर लगाना, यहां से यहां चक्कर लगाने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, और 2 पाई के एंगल रोटेट करने को टाइम पीरियड कहते हैं। तो बेटा ये आपने टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी पेपर में आई हुई है, डिफाइन टाइम पीपर। अच्छा किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फायदा है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम खलील द ग्रेट ने पूछा है। तो इसका जवाब बेटा ये है, जिस तरह बेटा क्लास 3 में जब आपको मल्टीप्लीकेशन पढ़ाई जाती थी, तो उस वक्त आप मल्टीप्लीकेशन के यूज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे। सरे दस राइट नाउ एकदम मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का बेनिफिट अभी फिलहाल नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जब हम आगे चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा टाइम पीरियड की डेफिनेशन आ गई। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू रोटेट थ्रू फुल रोटेशन और 2 पाई रेडियंस। तो अब आगे देखें, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टाइम। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह आप 2 पाई डाल दें, छोटे टी की जगह कैपिटल लिख दें। बेटा जो छोटा टी है ना वो जनरल टाइम है और बड़ा टी कैपिटल टाइम। ये जनाब आपकी एक और फार्मूला आपके पास आ गया टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, कि अगर आप 2 पाई रोटेट करते हैं, जितने टाइम में आपने 2 पाई रोटेट किया, टाइम पीरियड से एंगुलर वेलोसिटी को आपने रिलेट कर दिया है। आखिरी बात करूंगा बेटा, आपने एस इज इक्वल टू आर थीटा पढ़ा हुआ है, इसी को आप डेल्टा एस इज इक्वल टू आर टाइम्स डेल्टा थीटा कह दें, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी आ गई, लीनियर वेलोसिटी, जो एस ये वाली वेलोसिटी होती है, और इसको आप एंगुलर वेलोसिटी कह दें। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आपका एक और फार्मूला आ गया। ये क्या बताता है आपको? कोई चीज यूं यूं रोटेट कर रही है तो वो 1 सेकेंड में जितना एंगल तय करती है वो उसका ओमेगा बन गया, और वो 1 सेकेंड में जितना ये वाला डिस्टेंस तय करती है वो उसका वेलोसिटी बन गया। तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह रिलेट होती है। मैं इन चीजों की तरफ अगले लेक्चर में दोबारा डिटेल से आऊंगा, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप थोड़ा जो बच्चे ज्यादा नॉलेज, ये एक बेटा हमने एक और फार्मूला बना लिया, और यहाँ पर हम अपना लेक्चर जो है बेटा खत्म करते हैं। इन बातों को हम दोबारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूँ। एनी क्वेश्चन? जी सही है, रिपीट करेंगे जी लास्ट वाली करेंगे, चीज जो आपने आखिरी कही। आखिरी बात दोबारा रिपीट करेंगे, आखिरी 10 मिनट में जो पढ़ाया गया है इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। आखिरी 10 मिनट को दोबारा शुरू करेंगे, और जो मैंने पेपर 5 में भी जो चीजें बताई थी उनको भी कल जब नेक्स्ट पेपर 5 का क्वेश्चन आएगा तो हम उसके बारे में भी, आप जो क्वेश्चन करेंगे उनका जवाब मैं दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टूडेज अंटिल खबरनामा एट 9, ठीक है कि अल्लाह हाफिज़ सर, नहीं? अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।